फजलदार माहर जिन मोहतरम मेहमान मोहतरम मोहतरम मेहमान ने मोहतरम का हम काफ़ी देर से दिल की गहराइयों से मुंतजिर अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। मेहमानों की खिदमत में इस तकदीर की कलीमा पेश किए जाए उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इस बस्त का इफ्तिताह कुरान पाक की आयत की तिलावत से किया जाए और उसके लिए महद इस्लामी के दर्ज हिफ के बहुत मौक़र कारी बहुत कामयाब उस्ताद जनाब कारी मोहम्मद माज साहब से मैं इतवाज करता हूँ कुरान पाक की चंद आयत की तिलावत में शुरू हुई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله अदा वाजिबुल इहतराम
मेहमानों में जो हमारे बहुत मौकर मेहमान हैं वो हमारे मोहतरम जनाब हजरत मौलाना अहमद सुलेमान उमर साहब यहाँ तशरीफ रखे। आप साउथ अफ्रीका में रहते हैं, सहारनपुर की सरजमीन से आपका बड़ा देरीना ताल्लुक है। मदरसा मिफ्ताहुल उलूम कि जिसकी खिदमत सिर्फ इलाकाई सूबाई या मुल्की नहीं बल्कि आलमी है, आप वहाँ के परवरदा और फैजयाफ्ता हैं। अपने वक्त के बड़े आलिम रब्बानी, बड़े मंदूमगर और अपने वक्त के शेख तरीकत उदूब हजरत मौलाना मुजीबुल्लाह साहब जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह की आपने खिदमत की है, उनके सामने आपने शर्फ तरम्मुल तय किया है, आपने उस इदारे में एक जमाना गुजारा है और दुनिया भर के जो उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें जो मुमताज उलमा हैं उनसे आपका और आपके खानदान का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा। हजरत अब्दुस थानवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने बहुत थोड़े जमाने में बड़ी खिदमत की है और एक काम जो पूरी एक अकेडमी करती है, अंजुमन करती है, तहरीक करती है, अफराद करते हैं, इदारे करते हैं, वो काम उस मर्द मैदान ने एक छोटे से हुजरे में बैठकर किया। आपके दादा मोहतरम हजरत अब्दुस थानवी रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे, उनकी रहनुमाई और हिदायत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत काजी मुलायम मुजाहिद इस्लाम साहब के जिनसे पूरी दुनिया वाकिफ है, हमारे हजरत मौलाना अहमद सुलेमान उमर साहब ने उनकी खिदमत की है और वह आपके मेहमान रहे हैं और आपसे उनका ताल्लुक हर जैसा रहा है और आपकी वादे मोहतरमा जो उनको गनीमत रहमत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करें, आला इंतकाल में जगह अता फरमाए, उन्होंने हजरत काजी साहब की बहुत खिदमत अंजाम दी है। आप एक बहुत अच्छे आलिम हैं, कुरान और सुन्नत के बड़े मुखलिस तर्जमान हैं और साउथ अफ्रीका में अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत अच्छा काम है, ताजिर है और आप उन लोगों में हैं कि जिनके बारे में हदीस शरीफ में आता है कि सच्चे अमानतदार ताजिर कयामत में अंबिया सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होंगे। हमारे इस मदरसे में कुछ इमारतें बनी हुई हैं हर महमूद बाना के नाम से, उन्होंने उस वक्त में तामीर कराई थी कि जब माहद के मोर्चे से रईस उस्ताद गरामी हजरत मौलाना मोहम्मद नाजिम साहब नदवी रामत पर काफ़ उठा दिया कि जिनको अल्लाह ने इस काम के लिए मुंतखब किया है, जो अपने साथियों के साथ एक छोटी सी जगह में आकर बैठे थे और आपने आज से 32 साल पहले इस बात का ऐलान करने की कोशिश की थी कि हम एक ऐसी जमात तैयार करना चाहते हैं कि जिनके पास अरबी जबान भी हो, पूरे उन्होंने शरिया उनके पास हो, वो कुरान और सुन्नत में बड़ी महारत रखते हों और जो हमारा दर्स नीलामी है उसमें उनका बड़ा ताम्मुक हो, तबाहुर हो, बड़ी गहराई उसमें हो और इस वक्त की जो जबान है, उलूम है, वो बच्चे उनसे भी थोड़े वाकिफ हों, उनके पास आला दर्जे की साइंस हो, टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो और उनके पास अंग्रेजी जबान हो नहीं कि मामूली अंग्रेजी के एक दरख्वास्त लिख ली, एयरबस लिख लिया बस और ट्रेन के ऊपर नाम लेकर पहचान लिया, टिकट से पहचान लिया मैं कौन से वाहन में जाना है, ये नहीं बल्कि उनके पास अदबी अंग्रेजी हो और जो अंग्रेजी जबान के माहिर हो वो उससे पूरी तरह वाकिफ हो और अंग्रेजी जबान में मगरबी तहजीब के रास्ते थे इस्लाम पर जो उस वक्त में हमले किए जा रहे हैं, कोई ये कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह ख्वाहिश परस्त थे, आपने इतनी औरतों से निकाह किया, आपने हजरत खदीजा से निकाह इस बुनियाद पर किया नऊज़ बिल्लाह कि वो मक्कतुल मुकर्रमा की मुतमव्वल और एक ईमानदार खातून थी और इस्लाम पर जो इतराज़ होते हैं और वो तमखा करता है कि जिसकी जबान अंग्रेजी है वो उसमें बोलता है, सोचता आगे बढ़ता है और वो तबका जो बड़ा होटल पर बैठा हुआ है, हमारे यहाँ से फारिग होने वाले बच्चे
कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहुत जो असालीब है दावत के, उन असालीब पर पूरी गिरफ्त रखते हुए उनको दावत पेश करें, अंग्रेजी जबान में हिंदी जबान में उनको बताएं। आज से 32 साल पहले बात बड़ी अजीब थी और इस माहौल में बड़ी चूंकि हालात ये थे कि हमारे लोगों ने गुरु को आजाद कराया था और अंग्रेजी जबान से मुखालिफत की थी, अंग्रेजी तहजीब से मुखालिफत की थी, वो उसका तकाजा था। वो लोग बड़े काबिल मुबारकबाद हैं। हजरत शेखुल हिंद के बारे में फरमाता था अंग्रेज कि शेखुल हिंद को अगर जला दिया जाए और इसकी राह को सूंघा जाए तो उसकी राह से भी अंग्रेजी तहजीब, अंग्रेजी साम्राज्य और अंग्रेजी निजाम के खिलाफ उससे वो आएगी। वो उसका तबादला था जो उन्होंने किया था। तो हम इस बात को बड़ा अजनबी समझा गया कि मदरसे में रहने वाला बच्चा, मौलवी बच्चा कैसे अंग्रेजी पढ़ेगा। स्कूलों का निजाम अलग है, टीचरों की तहजीब अलग है, वो पैंट शर्ट पहनते हैं, दाढ़ी कटाते हैं, और मदरसे का निजाम अलग है। इन दोनों चीजों को कैसे यकजा कर दिया जाएगा। एक दस्तखान पर अंग्रेजी बोलने वाला साइंस का माहिर, अगर वो क्या कहते हैं हिसाब का माहिर और उन्होंने किया का माहिर और कुरान और सुन्नत का माहिर, वो कैसे बैठ जाएंगे। मगर मौलाना का वो एक जुनून था और एक जोश था, जज्बा था, वो उसको लेकर बैठे। और कितनी परेशानी आई वो बयान नहीं की जा सकती। और फिर वो बरकतें देखी उन लोगों ने, हमारे दोस्त मौलाना का नाम तशरीफ रखते हैं, वो बरकतें देखी, वो अल्लाह ताला की रहमतें देखी जो हमारे बड़ों ने देखी थी, जिसका नजारा कभी पहले लोगों ने किया था वो यहाँ पर आई। तो उस वक्त मौलाना कहते थे बस भाई जगह हमने ले ली है, छप्पर बनाएंगे, लैब चलेंगे वहां पर और वहां पर जरा ऊंची ऊंची कर देंगे और बच्चे मोमबत्तियां लेकर बैठा करेंगे, रातों में मुताला क्या करेंगे। उस वक्त महमूद खाना साहब ने मुफ्ती साहब की बदौलत और हमारे मेहमान मोहतरम के हमदुर इनके बच्चों के खालू हुसैन मुल्ला ने, जिनका इसी जमींदारे से बहुत गहरा ताल्लुक है, यहाँ पर तामीर करा। हुसैन मुल्ला साहब फरमाते हैं अल्लाह तुम्हें बरकत पैदा फरमाए, ये मदरसा मेरा है। जब वो कहते हैं तो हमारा दिल बहुत बड़ा होता है, हमें बहुत खुशी होती है। तो इतने मौकर मेहमान ये यहाँ पर तशरीफ लाए और इनसे ज्यादा दिल्ली में हमारा एक बहुत बड़ा कदीम इदारा है तजवीद व कुरान, निस्फ सदी के दायरे पर उसकी फैलो खिदमत है। मैंने उसकी गुर्बतों का दौर देखा है। जब ये महान कायम हुआ 92 में, मैं काजी जी साहब वहां गए, चंदा कर रहे थे, कोई चंदा देने वाला नहीं, थक गए हम। काजी सुलेमान साहब जो पुराने पाक के मौलवी ने उसके दाई है और ऐसे अफराद तैयार उन्होंने किए हैं कि जिन्होंने पुराने पाक के अफराद नहीं बल्कि मदरसे तैयार किए, जामिया तैयार किए, उनकी छोटी भी जगह थी, उनका मकान था। हम वहां पर चले गए, सोचा यहाँ भी ऐलान कर देंगे, हमें पता नहीं था बिल्कुल भी। हजरत तारी साहब ने हमारी बात सुनी और हमें अपने पास रखा। हम एक रात उनके मेहमान रहे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर करे। हम ये सोच रहे थे यार इस बड़े मियां को हमसे क्या मोहब्बत, क्या ताल्लुक है, हम ना मानदार आदमी है ना हम कोई इतने बड़े मौलवी है। हमें अपने हाथों से उन्होंने खाना खिलाया, हमारी लियाकत की और ये फरमाया बेहतर घबराओ नहीं, लगे रहो, मैं हालात से गुजर चुका हूँ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तरक्कियात से मालामाल करेंगे। उनके साहबजादे, उनके फरजंदे अर्जुमन हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, जो उस मदरसे के मौलवी हैं, वहाँ के दाई हैं, वहाँ के मुरब्बी हैं, वहाँ के नादिम हैं, और हमारे मौकर मेहमान को वो यहाँ लेकर आए। उनके उन्होंने पूरी जो रास्ते की चीजें थी वो फराहम की हैं। हम उनको भी इस माली शराबी के दर्द आशना और यहाँ की मोहब्बत भरी और इस मर्दुम घर और इस मर्दुम साथ सर जमीन पर कि जहाँ पर काजी सिद्दीक साहब के मुबारक कदम आए, जहाँ अपने वक्त की मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अब्दुल सलामी कलीमे नबी रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 91 में इस एक जगह बैठकर फरमाया इसके छोटे से प्रोग्राम में, मैं देख रहा हूँ कि माहौल बहुत आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। मगर आज करना मैं कहना चाहता हूँ इस माहद को मदायूम का एक रवाज समझा जाए, उसका एक इजाफी गोशा समझा जाए, उसका एक कुतुबखाना समझा जाए। उस अल्लाह के वली ने जिसको आंखें अल्लाह ने दिल की खोली थी, इन छपरों में बैठ के नहीं देखा था कि माहद कहां पहुंचेगा। मुफक्किर इस्लाम यहां तशरीफ लाए, हजरत मौलाना रामे साहब यहां
उनकी निगाह जरा का सदका है कि मदरसा अभी जगह पर पहुंचा है, यहाँ बड़ी तादाद बच्चों की पढ़ती है। और इसी के साथ यहाँ का हमारा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, 250-300 बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। एक हमारा सुपर जूनियर हाई स्कूल है जो हमारी पहली जगह है, जहाँ हमने काम शुरू किया था छपरों में बैठकर। वहां भी लॉकडाउन से पहले तो हालात गायब थे, इस वक्त भी अब मैं मुख्तसर नहीं, अब मैं दावत देता हूँ। सबसे पहले मुफ्ती महमूद रतन साहब, हजरत क़िबला क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह कई बार अपने मजालिस में ये शेर बहुत खूब पढ़ा करते थे, कहाँ मैं और कहाँ ये निखते गुल, कहाँ मैं और कहाँ ये निखते गुल, नसीम सह तेरी मेहरबानी। सच्ची बात यह है कि नाम महमूदुल हसन एक निस्बत ने उसको इस काबिल बनाया कि हजरत की माहियत हासिल हुई, यहाँ हाजिरी हुई और यहाँ पर आपके सामने रूबरू गुफ्तगू करने का मौका हासिल हुआ। यह सिर्फ निस्बत है पुराने करीम की इदारे की, इसीलिए ऐसी जगह पर हाजिरी हुई तो निस्बत हासिल है हमको आपस में। ये तकरीर का मेरा कोई मिजाज नहीं है, बोल नहीं रहा, लेकिन आपस ही गुफ्तगू हमारी हो रही है, मैं वही माफी के साथ उसी अंदाज की बात कर रहा हूँ। ये जो हमारे अयाम हैं, जो तालिबिल्मी का दौर होता है, वो जिंदगी का एक बहुत सुनहरा दौर कहलाता है। इस दौर में खाना पीना रहना सहना तालीम ताल्लुक मदरसे के जवाबित उसूल मदरसे की जगह का जायदाद का इदारा दस गांवों का अदब एहतराम उसका तहफ़ असातिज़ा का एहतराम, ये जिंदगी के अंदर एक मरतबा जब दरवाजे से बाहर निकले तो फिर ये चीज़ हासिल नहीं हो रही। एक मिसाल मुझे याद आ रही है इस मौके पर और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पर अपने हजरात के वजूदगी में और आपके सामने मुझे ये बात करने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बड़े एहसास और शर्फ की बात है। हमारे एक बहुत मुखलिस दोस्तों में से थे हजरत मौलाना कारी मोहम्मद कासिम साहब अंसारी कासिम, भोपाल से उनका ताल्लुक था। मद्रास की प्रीमेट मस्जिद जामा मस्जिद सबसे बड़ी जामा मस्जिद है, जाहिद अज की साल उन्होंने खिताबत के फराइज अंजाम दिए, बेहतरीन कुरान करीम पढ़ते थे और उनकी तकरीर ऐसी होती थी कि अगर कई हजार का मजमा है सुई भी अगर गिर जाए जैसे कि कहावत है उसकी भी आवाज आ जाए, बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा हम तक गोश होकर उनकी बात को सुनते थे। अल्लाह ने एक बड़ा सहर एक जादू उनकी गुफ्तगू बड़े काम की बातें किया करते थे। कुरान करीम तो जैसे मोदी हजरत मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब नागपुर के, उन्होंने कुरान करीम का तर्जुमा बड़े अच्छे अंदाज में किया तो उन्हीं से अपने खिदमात हासिल की, तिलावत वही कर रहे थे जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। तजवीदुल कुरान से बड़ा खास ताल्लुक था, मेरे साथ शफ़क़त का मामला था बहुत। एक मरतबा मेरी हाजिरी हुई भोपाल उनकी खिदमत में, ये वाकया आज मैं सुना रहा हूँ और उससे इस मामले पर हमने तो बहुत बड़ा सबक हासिल किया, बताता हूँ अपने तलबा को, आपके लिए बता रहा हूँ। महल वकूह के एतबार से चाहे तजवीदुल कुरान और अजमाउल इस्लामी दो मुख्तलिफ मकाम पर वाक़ हैं, लेकिन रूह तमाम मदारिस की एक होती है। काम अंजाम शब सहर सब एक होती है, उनका मामला एक होते हैं, सोच एक होती है। इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं अपने ही इदारे में हूँ, न यहाँ पर यहाँ मेहमान और मेज़बान के दरमियान की जो तकल्लुफ की दीवार होती है वो नहीं है। तो उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, मैं मौजू की तरफ आता हूँ, तो मेरा भोपाल जाना हुआ, ताल्लुक था वो मद्रास से सीधे वहाँ पहुँचे तो अगले दिन मेरा जाना हुआ। जब मैं पहुँचा वहाँ तो बड़े मखमूम थे, आलिम दीन थे ज़बरदस्त। मैं पहुँचा तो सुबह जब
मैं भी उनके साथ कब्रिस्तान गया, वहाँ पर बातें पड़ी, ये भी दो दिन में बातें पड़ने थी। जब कब्रिस्तान से हम बाहर आ रहे थे, वो दार बदार हो रहे थे, जब भी मरहूम थे वाले उनके चले गए, हालांकि उम्र थी उनकी भी, जब गुजर रहे थे तो देखा हमने तकरीबन 22-23 साल का एक नौजवान, वो सारों कतार फूट फूट कर रो रहा था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने हमको रोक लिया और एक कब्र की तरफ इशारा किया कि आप यहाँ कर हमारे जो है ये वाले साहब की कब्र पर कुछ पढ़ दीजिए। हजरत ने पूछा कब इंतकाल हुआ, कि कल हुआ, कि आप फातिहा सूरह इखलास वगैरह अपनी पढ़ा आपने, तो वो रो रहा कर यही कह रहा था कि मैं कभी मदरसा नहीं गया, मैं कभी मकतब नहीं गया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं जाहिल हूँ, मुझे आता नहीं पढ़ना, आप जरा पढ़ दीजिए। हाथ जोड़ने लगा अपनी मेहरबानी। बात ये नहीं थी कि वो अपने बाप की मोहब्बत में वो कुछ पढ़ने के लिए फरियाद कर रहा था। मसला यहाँ आता है कि उसकी जो बचपने से लेकर जवानी तक की जो जिंदगी थी वो कैसी गुजरी होगी, वो उसका हाल बता रहा था उस वक्त कि वो फातिहा पढ़ने के लिए हमसे मदद मांग रहा था, फरियाद कर रहा था कि मेरे वालिद साहब की कब्र पर आप भी फातिहा पढ़ते हो। हजरत ने वहां पर बाकायदे नन से फातिहा पढ़ी, उसको दिलासा दिया। आए जब हम आ रहे थे तो हजरत खालिद साहब बड़े दूर अंदेश साहिब नजर इंसान थे, लगा हजरत देखा आपने इस बच्चे की जिंदगी कैसी गुजरी होगी, आज ये फातिहा नहीं पढ़ सकता। ये सब उसी का नतीजा है। आज हम जो यहाँ बैठे हैं खुश नसीब जवान की हैसियत से बैठे हैं। एक बड़ा मशहूर आपने जो है सुना होगा, बचपन खेल में खोया, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर खोया। सही बात तो ये है कि आज हम जो बैठे हैं दुनिया की खुश नसीब तरीन जमात का एक हिस्सा है। आज हम कम खा लेंगे, कम सो लेंगे, कम खेल लेंगे, आने वाले वक्त में हमें बहुत से अदब करने वाले, एहतराम करने वाले, सुनाने वाले नेमतों के दस्तरखान हमारे इस्तकबाल करेंगे और अल्लाह ताला हमसे भी ऐसा ही काम लेंगे जैसा कि यहाँ पर हमारे नाज़िम आला साथीदा कराम से ले रहे हैं। अल्लाह ने ऐसी जमात के लिए हमारा इंतखाब किया है जब हमें यहाँ भेजा है। हर एक को चाहिए कि उस्तादों का अदब करें, लाजिम मदरसे का एहतराम करें, उसके जाब्ते और उसूल उनको अपना और ना बिछाना बनाए। कम अज कम ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं, अगर हर तालिब इल्म अपने ऊपर उस चीज़ को किसी ना किसी दर्जे में लाजिम करके अमल करे, इल्म का हुसूल उतना ही आसान होगा। वरना हमने देखा दिल्ली में रक्शे बूढ़े बूढ़े लोग रक्शे ठेला खींचते हैं जिनकी उम्र आसान आराम करने की होती है, मगर अंदाज करना या अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होता कि इनका माजी किस दौर से गुजरा होगा, कि आज या इस हाल में जब इनको घर में साया में होना चाहिए, गर्मी में रक्षा खींच रहे हैं, सवारी खींच रहे हैं, तो कई बार एहतराम है इस रक्शे में बैठते भी हैं और बैठ भी जाता हूँ, होते हैं साथी, तो अगर वहाँ के 20 रुपये लगे हैं तो हम थोड़ा सा इजाफे देकर एहतराम फारिग हो जाते हैं। लेकिन ये सवाल अपनी जगह जो कर दो जिक्र है। हमने देखा बहुत से मदरसे वाले तलबा हैं कामयाब होकर जाते हैं, उनका मुस्तकबिल, उनका रोशन मुस्तकबिल उनका इस्तकबाल करता है, और बहुत से ऐसे होते हैं जो हर साल हर 6 महीने में अलग अलग मदारिस में जाते हैं, दाखिल लेते हैं, यहाँ पर ऐसा सहूलत नहीं है, यहाँ पर यह फराम, यहाँ का खाना ऐसा है, यहाँ का लेखना भी इतना ऐसा है, वो सिवाय खाटे और खसारे के कुछ नहीं है। किसी शायर के शेर सादिक आता है उन पर जो इस तरह से करते हैं, ये दौरे ना मुरादी, ये दौरे ना मुरादी, हाय यूं महसूस होता है, ये दौरे ना मुरादी, हाय यूं महसूस होता है, मैं अपनी कब्र पर खुद पढ़ रहा हूँ फातिहा। जीते जागते
शायर ने उसको उस तसव्वुर के साथ अपने इन शेर के अंदर बिल्कुल कलमबंद कर दिया कि गोया के जिंदा वो जिंदा ही गोया के कब्र जैसी जिंदगी, मुर्दा जैसी, इल्म के बिना कुछ नहीं, कोरे कागज की तरह है हमारे जहन, कोरे कागज में जो भी लिखेंगे। और हमें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया कि हमको जानवर नहीं बनाया, हमको इंसान बनाया। उस पर सबसे बड़ा एहसान ये किया कि हमको मुसलमान बनाया, मुसलमानों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत ही बनाया, कुरान करीम का तालिब ही बनाया। 5 साल पेश हुए एक नशिस्त में कुरान करीम का पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं। ये कलाम अल्लाह की शान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये छोटे से दिल में दिमाग में ऐसे याद हो जाए। वरना तो कुरान करीम में तो ये भी आता है, लव अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलि लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शयतिल्लाह। लेकिन अल्लाह का कुरान करीम की शान। और जब कुरान करीम को हम याद करने के जाते हैं, समा जाता है बिल्कुल, दूसरे उलूम हमारे लिए चुटकियों का काम हो गया, चुटकियों का। जैसे आजकल सियासत तो बहुत कुछ चलती है कहते हैं, मगर दूसरे जाविये से भी देख लेना चाहिए कि अल्लाह ने हमको ख्वाब गफलत से बेदार करने का एक बेहतरीन मौका दिया है। हम सोए हुए थे गड़बड़ ले, अब हम खड़े होते हैं, नहीं हमें ये भी सीखना चाहिए, हमें ये भी करना चाहिए, अपने कागजात हमें जो है वो ठीक करने चाहिए, हमें ये इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, दूसरे उलूम हैं, ये हासिल करने चाहिए। और हमारे लिए मैं दावे से कह सकता हूँ, तजुर्बे की बुनियाद पर, जो दीगर तलबा होते हैं स्कूलों के कॉलेजों के, उनसे कहीं ज़्यादा ज़हीन हमारे मदरसे के तलबा, और उनमें ये तख़सीस हासिल हो जाती है, ख़ासतौर पर उनके जो कुरान करीम के तालिब होते हैं, वो उसे घोर कर भी जाते हैं, ये क्या माने रखते हैं। हमने तजुर्बा किया तजुर्बान में अपने, हमारे वहाँ के तलबा जो पढ़ने वाले हैं 1 घंटे की क्लास के अंदर कुछ वक्त के बाद जेड से लेकर ए तक वो उल्टा सुना देते हैं, पहाड़े वो किस तक ऐसे याद कर लेते हैं, गिनती है 100 से लेकर 1 तक ऐसा पढ़ कर सुना देते, क्योंकि उन्होंने कुरान करीम को इस तरह से याद किया होता है कि उनका दिमाग दोधारी तलवार हो जाता है। तो हम यही पर हमें आज ये मौका मिला है, एक एक दिन करके ये दिन निकल रहे हैं, इसलिए हमारे लिए लाजिम है, जरूरी है, अगर मदरसे की रोटी उनने वालों को हलाल करना है, पैसा कहाँ से आता है, कैसे खर्च करते हैं वो जिम्मेदार जानते हैं, जब रातों को नींद उनमें अलग वाक्य होता है तो बेचैनी के आलम में खड़े होते हैं, वजू करते हैं और नियत मांग कर खड़े हो जाते हैं दुआ के लिए, किसके लिए, आपके लिए। तो हम खाते हैं शोरबदार सालन तो ऐसे ही नहीं होता है, माँ के लिए मैं नाजिम आगरा से भी माफी के साथ अल्फाज खाली बात को अर्ज़ कर रहा हूँ, दूसरी बातें तो हमेशा कहते ही होंगे, मेरे नज़दीक तो वही बात है कि उस्ताद अपने तलबा से बातें करता है, मुझे बहुत खुशी हुई है, अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। आमीन। यूँ तो तकदीर पर ईमान हमारे लिए फ़र्ज़ है, वल्कद्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाहि तआला, लेकिन तकदीर के बिना, तकदीर पर ईमान, इसको सोचने की जरूरत है। दोनों बहन भाई, तकदीर का इख्तियार करना भी लाजिम है, फिर तकदीर पर छोड़े आदमी, हम मुसलमान उमूमन में भी शामिल हैं, सिर्फ ईमान मुफस्सर ईमान मुफस्सर तो ज़बानी पढ़ के और कर लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कुछ करना है तो अपने रात को बिस्तर में उठकर भी अपने अगले दिन के सबक असबाक के सिलसिले में कुछ ना कुछ ज़ाती तौर पर करना होगा, वही निकलेंगे। एक तालिबे इल्म ने इंग्लिश में की, एक तालिबे इल्म ने अरबिक में, एक ने उर्दू में की, अंदाज इतना अच्छा है कि हर तालिबे इल्म 18-20 के फर्क के साथ यही खूबी कमाल हासिल कर सकता है। अल्लाह ताला ने इसके कहने को कबूल फरमाए, जो जाहिर बातें कह रही हूँ अल्लाह ताला उसको माफ़ करे। माशाल्लाह
जो आँख उनकी याद में आंसू बैठ जाए जब सवारी पर।
से पलटने तक जमाना ठहर जाता है, तो फिर वापस पलटने तक जमाना ठहर जाता है। जहां नजर मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है। अल्लाह जो दिल से सनाए रसूल हो जाए, अदा जो दिल से सनाए रसूल हो जाए, अदा जो दिल से सनाए रसूल हो जाए, अदा जो दिल से सनाए रसूल हो जाए, तो इस हयात का मकसद वसूल हो जाए, तो इस हयात का मकसद वसूल हो जाए। ये उनके नक्श कफे पा का फैज है लोगों, ये उनके नक्श कफे पा का फैज है लोगों, के एक हकीर सा पत्थर भी फूल हो जाए, के एक हकीर सा पत्थर भी फूल हो जाए। अदा जो दिल से सनाए रसूल हो जाए, खुदा गवाह है, खुदा गवाह है जमाना गुलाम हो जाए, खुदा गवाह है जमाना गुलाम हो जाए, जिसे नसीब मदीने की धूल हो जाए, जिसे नसीब मदीने की धूल हो जाए। अदा जो दिल से सनाए रसूल हो जाए, नबी पाक की उल्फत मुकीम है जिसमें, नबी पाक की उल्फत मुकीम है जिसमें, वो कल्ब के से गमों से मलूल हो जाए, वो कल्ब के से गमों से मलूल हो जाए। अदा जो दिल से सनाए रसूल हो जाए, किसी की उम्र इबादत में रहेगा गुजरे, किसी की उम्र इबादत में रहेगा गुजरे, किसी का एक ही सजदा कबूल हो जाए, किसी का एक ही सजदा कबूल हो जाए। अदा जो दिल से सनाए रसूल हो जाए, अगर है दिल में तमन्ना तो बस यही अब्द, अगर है दिल में तमन्ना तो बस यही अब्द, दरे हबीब खुदा का हुसूल हो जाए, दरे हबीब खुदा का हुसूल हो जाए। अदा जो दिल से सनाए रसूल हो जाए। बच्चों को
अपने हाफिज कुरान।